सिंगरौली जिले में किसान आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में सांसद रीति पाठक एवं प्रदेश मंत्री बुद्धिसेन पटेल ने कार्यक्रम के प्रभारी रहे। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य, दिनसर विधायक सुभाष वर्मा, चितरंगी विधायक अमर सिंह सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। 11 माह वाली कांग्रेस सरकार पर अनेक गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट ने बैरिकेड को उखाड़ते हुए मेन गेट पर पहुंचकर कमलनाथ मुर्दाबाद का नारा लगाया और बिजली बिल को आग के हवाले कर होलिका दहन भी किया। देवसर विधायक सुभाष वर्मा के द्वारा कहा गया, कांग्रेस सरकार किसानों के साथ धोखा करते हुए अपने वचन पत्र में 2 लाख की ऋण माफी एवं बिजली बिल जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ किसानों को ठगा है। सांसद रीति पाठक के द्वारा कहा गया कि 70% स्थानीय लोगों को नौकरी का लालीपाल दिखाने वाली एवं किसानों के साथ अन्याय करने वाली कांग्रेस सरकार निकम्मी है। विधायक रामलल्लू वैसे ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा आवंटित किसानों की राशि 6000 प्रधानमंत्री सम्मान निधि को यह सरकार किसानों के खाते में नहीं पहुंचा पा रही। राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन देने के बाद सांसद विधायक एवं कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। किसान आक्रोश रैली के मद्देनजर सिंगरौली पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था में आज यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस चुनाव के बाद यहाँ का प्रत्येक किसान, यहाँ का प्रत्येक युवा अपने आप में चला हुआ। इस कांग्रेस सरकार के द्वारा चुनाव के पहले बहुत तरह के वायदे, जैसे कि कर्ज माफी को लेकर के हो या बिजली बिल को हाफ करने की बात कही गई हो या यहाँ के मध्य प्रदेश के 70% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गई हो, और कोई भी होता हुआ काम अभी तक 11 महीने की स्थापित सरकार ने किसी जमीन स्तर पर कोई भी कार्य नहीं किया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आह्वान पर हम भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के प्रत्येक कार्यकर्ता और स्थानीय किसान भाइयों के साथ आज यह किसान आक्रोश रैली के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश की सरकार को जगाने का काम किया है। अगर मध्य प्रदेश की सरकार आने वाले दिनों में इसी तरह से सोई रही तो भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि हम लोग आने वाले समय में निरंतर जो है इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि मध्य प्रदेश की सरकार चेतेगी। आज आम जनों के उस छत के सपने को आज पूरा नहीं होने दिया, देने दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें राजनीतिकरण करना है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के में जब शिवराज की सरकार थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में आज हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि हर गरीब को छत मिले, हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब को रोशनी मिले, हर गरीब को खाना मिले, और सिर्फ ये इस राजनीतिकरण से ये रोका जा रहा है कि हम ये ना होने दें और इनको सिर्फ हम वोट के लिए उपयोग करें, क्योंकि अगर ये हो गया तो आम जनता, गरीब जो आदमी है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम लेगा, उसके बड़े मन का नाम लेगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा मन करके आज गरीबों के लिए पक्का मकान दे रही है, बिजली दे रही है, किसानों के ऋण को माफ कर रही है, लेकिन इस बात को रोक कर आज जिस तरह की स्थितियां आज पैदा की गई है, जिस तरह का अन्याय भारतीय कांग्रेस सरकार द्वारा किया जा रहा है, ये असहनीय है। और इस असहनीय स्थिति में हमने इस पीड़ा को, इस दुख को, इस व्यथा को, इस अन्याय को न सहने के लिए, इस व्यथा को व्यक्त करने के लिए आज हमने अपनी गिरफ्तारी दी है। और 100 बात की एक बात है कि जब जब अन्याय होगा और जो भी अन्याय होगा उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उतरेगा, और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के न्याय के प्रति साथ देने के लिए हमारा एक एक किसान उतरेगा, एक एक गरीब आदमी उतरेगा, एक एक आम जन उतरेगा। और आज ऐसी स्थिति में जिस तरह से आज हम जेल में गिरफ्तारी देने के लिए आए, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, जब जब अन्याय होगा तब तक हम इस स्थिति में आएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस ऐसे निर्मम सरकार को चेताएंगे कि अब सुधर जाओ, अब भी संभल जाओ, क्योंकि अभी भी मौका है।